तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल माही स्पीक्स। तो आज का वीडियो है, हम पीएफ के बारे में जानेंगे। पीएफ ब्रेकअप क्या होता है, पीएफ का परसेंटेज कितना है, पेंशन का परसेंटेज कितना है, मेंबर कंट्रीब्यूशन कितना रहता है और पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, कंपनी कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, वो सब डिटेल में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, जो पीएफ के बारे में बेसिक में इतना इजी में बताऊंगा कि एंड तक देखोगे तो आपको सच में समझ आ जाएगा कि पीएफ के बारे में क्या है, कैसे ये करता है, ट्रस्ट क्या होता है, कैसे जमा होता है पीएफ के ऑफिस में, ये सब डिटेल्स में आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। एग्जैक्टली प्रोविडेंट फंड क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो प्रोविडेंट फंड जो है ना, आपके पार्ट ऑफ द सैलरी जो है ना डिडक्ट होती है। हर एम्प्लॉय को जो है ना, जो भी एम्प्लॉय काम करता है, जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एक स्कीम बनाई जो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट हो, इसीलिए तो थोड़ा मंथली मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट हो जाता है। तो प्रोविडेंट फंड में जो जमा होता है ना, उसका पीएफ के ब्रेकअप में जाएगा। पीएफ जो है ना, दो टीम में मेंटेन किया जाता है, एक ट्रस्ट जो है और एक ईपीएफओ। ट्रस्ट मतलब अनएग्जेम्प्टेड जिसको बोलते हैं, जिसको पीएफ ईपीएफओ मेंटेन करती है, और एग्जेम्प्टेड मतलब जो ट्रस्ट कंपनी है ना वो मेंटेन करती है। ईपीएफओ खुद मेंटेन करती है, ट्रस्ट का जो है ना कंपनी खुद मेंटेन करती है। और इंडिया में जो मोर देन 1,000 एम्प्लॉय जिनका है, उनका पीएफ जो है ना ट्रस्ट मेंटेन कर, जैसा हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, वो सब। अब पीएफ ब्रेकअप के बारे में जानेंगे। एज पर गवर्नमेंट रूल 1952, अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, तो अगर उनका मंथली सैलरी 15,000 से ऊपर है तो, और वो उनको पीएफ कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। पीएफ आपका पार्ट ऑफ सैलरी में डिडक्ट होगा। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है 12% ऑफ का बेसिक सैलरी रहेगा, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12% रहेगा। जो 12% बाइफर्केट होता है, 3.67 कंपनी कंट्रीब्यूशन, और ईपीएस जो है ना 8.33%, और रिमेनिंग 0.5% जो है ना ईएलडीआई रहता है, जिसको एम्प्लॉय डेथ लाइफ इंश्योरेंस, उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेन चीज़ जो है ना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कंपनी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, वो जो बाइफर्केट होता है। एक एग्जांपल लेके समझेंगे, जैसे कि एक पीएफ स्टेटमेंट देख रहे हैं, जिसमें एम सी मतलब मेंबर कंट्रीब्यूशन, सी सी मतलब सी सी प्लस ईएपीएस जो है ना, ये 12% रहता है। ये जो जैसे कि आप एक स्टेटमेंट में देख रहे हैं, सी सी 3.67 रहता है और ईपीएस जो है ना 8.33% रहता है। जो कंपनी कंट्रीब्यूशन है, सी सी प्लस ईपीएस जो है ना, उसको बोलते हैं कंपनी कंट्रीब्यूशन। मेंबर कंट्रीब्यूशन मतलब एम सी। एक एग्जांपल लेके देख रहे, एक एग्जांपल जो है ना, एम्प्लॉय का अगर 15,000 का बेसिक सैलरी, उसका 12% 1,800, हर महीने 1,800 जमा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ईपीएस सी सी कॉलम। और ट्रस्ट के केस में एम सी प्लस सी सी ट्रस्ट मेंटेन करता है, और ईपीएस जो है ना गवर्नमेंट मेंटेन करता है। इसमें अगर आपको टोटल अमाउंट देख सकते हैं, और ओवरऑल ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब आप देख सकते हैं, और इसमें इंटरेस्ट कॉलम भी देख सकते हैं। इंटरेस्ट प्रोरेटा बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होता है, और जैसा मैंने बताया था, इंटरेस्ट जो है ना गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड के हिसाब से हर साल चेंज हो जाता है। कभी 8.1 रहता है, कभी 8.25 रहता है। तो ऐसे सब स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू मतलब योर कंट्रीब्यूशन प्लस मेंबर कंट्रीब्यूशन प्लस टोटल मेंबर कंट्रीब्यूशन, वो सब मिला के, इंटरेस्ट मिला के आपका नया बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट जो है ना, सिस्टम कैलकुलेटेड है, आपको निश्चिंत रहना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और आपके मन में कुछ ख्याल आए होंगे कि क्वेश्चंस आएंगे कि इट्स मैंडेटरी, कि पीएफ मैंडेटरी। हाँ, ये सभी एम्प्लॉयज़ को ना मैंडेटरी है। व्हाट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन? जैसा मैंने बताया था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बाइफर्केट हुआ रहता है, 3.67 सी सी प्लस ई पी एस जो है ना 8.33 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। व्हाट इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है ना 12% ऑफ आपका बेसिक सैलरी जो रहता है, उसका 12% रहता है। पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में बाइफर्केट होता है, वो 8.33% रहता है। आसान भाषा में बोलते हैं उसको 8.33, वो एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में चला जाता है हर महीने। आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो, अगर आपके मन में ख्याल आएगा कि पीएफ कंट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स रहेगा, अगर हाँ आपका अमाउंट मोर देन 7.5 लाख है, तो आपको टैक्सेबल पड़ेगा। व्हाट इज़ अ मिनिमम मतलब सबसे कम कंट्रीब्यूशन क्या है? तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन 12% ही रहेगा, इट कैन बी एक्सटेंडेड वॉलंटरी अगर आपको एक्सटेंड करना है तो। मैक्सिमम जो है ना 12% बाय एम्प्लॉयर, और उसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर आपको पीएफ स्टेटमेंट वगैरह चेक करना है, तो गूगल में जाइए, यूएन
पासबुक चेक कीजिए तो ईपीएफओ के केस में ईपीएफओ का पोर्टल में चेक कर सकते हो। और अगर नॉन ट्रस्ट है तो आपकी कंपनी का जो भी कंपनी ना एचआर है उनसे बात कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि अगर वीडियो यूज़फुल रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।